नगर पंचायत कार्यालय द्वारा कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए की गई जन जागृति, विविध स्पर्धा का आयोजन करके नागरिकों से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। पटनाट्य, चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, दीवारों पर संदेश लिखकर नागरिकों से नगर पंचायत द्वारा माझे गांव माझे कुटुंब अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए नियमों का पालन करने के लिए लॉकडाउन किया था। कुछ हद तक कोरोना बीमारी से लोगों की बचने का प्रयास भी किया गया, फिर भी लोगों में जन जागृति करने की बजाय लोगों ने नियमों की अनदेखी की। उसी वजह से लोगों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना बीमारी के बचाव के लिए शासन द्वारा माझे कुटुंब माझा परिवार अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया। इसी के तहत पार्श्वने में भी मुख्य अधिकारी अर्चना वंजारी ने लोगों में कोरोना बीमारी के बचाव के लिए एवं जन जागृति करते हुए पार्श्वनी नगर में यह अभियान ज्ञान विकास संस्था के जरिए चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, पटनाट्य द्वारा शहर में जन जागृति की गई, जो कुछ हद तक सफल भी हुई। बच्चों ने नगर में पटनाट्य प्रस्तुत कर कोरोना बीमारी के परिणाम एवं उपाय योजना के बारे में लोगों में संदेश देने का काम किया तथा विविध उपक्रम के माध्यम से इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के उपाय भी अनोखे तरीके के जन जागृति करते हुए लोगों में जागृत करने का काम किया। पिछले महीने से लगातार छोटे बड़े समाज सेवक भी इस अभियान को सफल बनाने एवं जन जागृति करने के लिए सामने आए थे। इस जन जागृति अभियान को सफल बनाने के लिए नगर पंचायत द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने वाले मान्यवरों के हस्ते बुधवार को अमन सभागृह में तहसीलदार वरुण कुमार सहारे, मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी, BDO अशोक खांडे, पुलिस निरीक्षक ठाकुर, मुख्य अध्यापिका प्रभाताई कोलते, मुख्य अध्यापिका राजश्री उकरे, उमाकांत बागड़कर, मोहर सर के हस्ते पारितोषिक प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल किया। नगर पंचायत पार्श्वनी तसेच NGO या दोन्ही संघटनांमार्फत माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हा जो एक कार्यक्रम राबवलेला आहे त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा जो प्रचंड सहभाग आपल्याला लाभलेला आहे त्यावरूनच या स्पर्धेचं किंवा हे जे काही आयोजन आपण केलेलं आहे त्याचं यश आपल्याला दिसून येते। या स्पर्धेमुळे लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण झालेलीच आहे, परंतु कोविडपासून वाचवण्यासाठी आपल्याला कशा प्रकारे सुरक्षा किंवा कशा प्रकारे नियमांचं पालन करायचं आहे याची एक अनुभूती पण स्वतः लोकांना आलेली आहे। म्हणजे चित्र काढताना केवळ त्याने चित्र नाही काढले तर त्याचं एक आपण म्हणू की आत्मीकरण केलेलं आहे किंवा एक स्वतःमध्ये त्या ज्या काही नियमाचं पालन करायचं त्याचं त्यांनी आत्मकरण केलेलं आहे। त्यानंतर निबंध स्पर्धा, त्यानंतर भित्तीचित्र या सगळ्या विविध ज्या स्पर्धा आहेत त्या विविध स्पर्धेमधून जनतेला एक चांगला संदेश दिलेला आहे की कोविड काळामध्ये कशा प्रकारे आपण आपलं कुटुंब आणि आपली जबाबदारी कशी ओळखायची आहे हा एक संदेश लोकांपर्यंत पोहोचतो।